हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जिससे खास करके 10th बोर्ड का एग्जामिनेशन पास करने के बाद हर छात्रों को, उनके अभिभावकों को रूबरू होना पड़ता है। हमारे राज्य में, बिहार में 90% अभिभावकों की, स्टूडेंट्स का, उनके पेरेंट्स की यह इच्छा होती है कि मेरा बच्चा IIT कंप्लीट करे, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, और इसके लिए वो अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। फिर भी क्या कारण है कि आज IIT, JEE और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में तो बहुत सारे बच्चे स्वाभाविक रूप से तेज तर्रार होने के बावजूद भी अपनी जगह नहीं बना पाते? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो छोड़िए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी के चलते वो 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। कारण क्या? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, खास करके उन लोगों से जो इस बार 10th का एग्जामिनेशन दे चुके हैं, ऐसे छात्रों से, उनसे जुड़े हुए अभिभावकों से। मान लीजिए कि एक आदमी है और वो जाता है एक कार ड्राइविंग स्कूल में, और आप वहां पर खड़ा है। वो आदमी जब वहां पहुंचता है कार ड्राइविंग स्कूल में, तो वो कार ड्राइविंग स्कूल के जो इंस्ट्रक्टर हैं उनसे पूछता है कि आप ऐसा करो, मुझे इनोवा गाड़ी ड्राइव करनी है, मुझे इनोवा गाड़ी ड्राइव करने के लिए आप ड्राइविंग सिखा दो। क्या उत्तर होगा उस इंस्ट्रक्टर का जो कार ड्राइविंग सिखाता है? क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? शायद आप उस पर हंसना शुरू कर देंगे। इंस्ट्रक्टर जो होगा कार ड्राइविंग सिखाने वाला, उसके पास मारुति 800 कार है, और उसके पास जो भी आदमी जाता है वह उसी पर उसकी ड्राइविंग सिखाता है। वो भी आश्चर्यचकित रह जाएगा कि ये आदमी क्या कह रहा है, मुझे इनोवा चलाना सीखना। आप क्यों हंसते हैं उस पर, या क्या कारण है कि आपको हंसी आ गई इस बात से? क्योंकि आपको यह पता है, और साथ ही साथ कार ड्राइविंग सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर को भी यह पता है कि अगर हम मारुति 800 कार पर किसी आदमी को ड्राइविंग सिखा दें और उसको ड्राइविंग में महारत हासिल हो जाए, एक्सपर्टीज हो जाए, तो वो जो भी कार चाहेगा उसको प्रॉपरली ड्राइव कर लेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा एग्जांपल लीजिए, ये तो एक अलग बात थी कि उसे इनोवा गाड़ी ड्राइविंग सीखनी थी। अगर वो आदमी आपके सामने कहे कि मुझे पटना के आर ब्लॉक चौराहे से राजेंद्र नगर टर्मिनल तक की ड्राइविंग सीखनी है, मुझे आर ब्लॉक से राजेंद्र नगर टर्मिनल तक ही ड्राइविंग सीखनी है, मुझे इतनी ही दूर गाड़ी चलानी है, आप इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग मुझे दे दो, क्या जवाब होगा आपका? कैसा बेवकूफ आदमी है यह जो कहता है कि मुझे आर ब्लॉक से राजेंद्र नगर टर्मिनल तक की ड्राइविंग सीखनी है।
क्या ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें इतनी ही दूर की ड्राइविंग सिखाई जा सके? क्या ऐसा कोई मेथोडोलॉजी है जिसमें इनोवा चलाने की ट्रेनिंग दी जा सके, दूसरे कार चलाने की ट्रेनिंग ना हो? ऐसी कोई मेथोडोलॉजी नहीं है। अगर कोई आदमी कार ड्राइविंग जानता है तो वो आर ब्लॉक से राजेंद्र नगर टर्मिनल चला जाए या पटना से सीधे रांची चला जाए, पटना से सीधे दिल्ली चला जाए, वो जहां जाना चाहेगा जा सकता है, वो जिस किसी रोड पर चाहे जा सकता है, वो जिस किसी भी गाड़ी को चलाना चाहे चला सकता है। ऐसा कर सकता है कि नहीं, आप बताइए। आपका उत्तर होगा हाँ, कर सकता है। तो मुझे ये बताइए कि जब बच्चे 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे IIT की तैयारी करनी है, मुझे मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। अब मुझसे बताइए आप कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी, IIT JEE की तैयारी, 12th बोर्ड की तैयारी अगर अलग अलग तरीके से की जा सकती है, अगर उसके प्रिपरेशन का अलग अलग मेथोडोलॉजी हो, तो फिर 12th बोर्ड के साथ या तो गवर्नमेंट को मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम नहीं लेना चाहिए, IIT JEE का एग्जाम नहीं लेना चाहिए, और अगर IIT JEE और मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम 12th बोर्ड के साथ होता है तो निश्चित रूप से आपको यह सोचना पड़ेगा कि इसके बीच कोई ना कोई रिलेशन है और वो क्लोज रिलेशन है। तो अगर आपको मेडिकल एंट्रेंस का प्रिपरेशन करना है, डॉक्टर बनने की तमन्ना है आपकी, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना होता है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के रूप में, और अगर आपको इंजीनियर बनने की तमन्ना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ने की बात सोचनी होती है। हालांकि इंडिया में अभी ये बात हो रहा है कि इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए या इंजीनियर बनने के लिए केमिस्ट्री की अनिवार्यता खत्म कर दी जाए। इस पर अभी चर्चा हो रही है, भविष्य में हो सकता है कि ऐसा हो। तो 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम पास करने के लिए भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी का प्रिपरेशन करना होता है, और मेडिकल या इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए भी आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी होती है। अगर आप सिलेबस का एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे कि बोर्ड एग्जामिनेशंस का जो सिलेबस है उससे मिलता जुलता सिलेबस नीट का है, और उससे कुछ हद तक कम ही सिलेबस IIT JEE का है। तो अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस को फॉलो करते हैं, फिजिक्स की तैयारी करते हैं, केमिस्ट्री की तैयारी करते हैं, मैथमेटिक्स की तैयारी करते हैं, बायोलॉजी की तैयारी करते हैं, तैयारी करने का मतलब उसको सीखने से है कि आप अगर फिजिक्स अच्छे से सीख जाते हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स की समझ आप डेवलप कर लेते हैं, तो आपसे उस लेवल का जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा आप वो सॉल्व कर सकते हैं, आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो ये सवाल उठता है कि IIT में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा या 12th बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा या नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो अलग अलग तरीके का क्वेश्चन होता है लेकिन उसके बेसिक कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, बट बिना सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को जाने आप ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि इतने बच्चे हर साल कोशिश करते हैं कि हम बोर्ड का एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं करके, हम रेगुलर स्कूलिंग नहीं करके, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है फ्लाइंग स्कूलिंग का, जिसमें क्या होता है, स्कूल वाले कुछ पैसे बच्चों से लेते हैं
और बिना स्कूल गए उनका अटेंडेंस बोर्ड को भेज देते हैं कि ये बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं, और उस ड्यूरेशन में बच्चे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्लास करते हैं और फिर वो कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वो कंपीट तो नहीं ही कर पाते हैं, स्कूल एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में भी बहुत कम मार्क्स लाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वो आईआईटी के लिए पढ़ रहे होते हैं, आईआईटी में जाने के लिए जो चीजें पढ़ने की जरूरत होती है, जो चीजें सीखने की जरूरत होती है, वो सीख नहीं रहे होते हैं। उनके दिमाग में है कि मुझे आईआईटी में कम्पीट करना है, मुझे मेडिकल कॉलेजेस में जाना है, बट ये नहीं सोच रहे हैं कि उसमें जाने के लिए पढ़ना क्या है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस वो करते हैं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को वो बोर्ड एग्जाम के समय आकर पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सीख नहीं पाते, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते, वो सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि माया मिली न रहो, वो ना तो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं ना बोर्ड एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं। इसलिए मेरा ऐसे बच्चों के लिए जो इस बार 10th का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या उनके अभिभावकों के लिए यह संदेश है कि वो अपने सब्जेक्ट्स की, चाहे जिस किसी स्ट्रीम में जाना हो, साइंस पढ़ना हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी के सिलेबस का थोड़ो स्टडी करें, हर टॉपिक का स्टडी करें और उनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को बनाएं, प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस को बनाएं और थ्योरी को पहले पढ़ें, उसके बाद न्यूमेरिकल को बनाएं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले बनाएं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाएं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाते समय ये नहीं सोचना है कि इसका आंसर ये क्यों है, ये भी सोचना है कि इसका आंसर ये सारा क्यों नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है एंड देयर आर 4 ऑप्शंस ए बी सी एंड डी, यू डोंट हैव टू थिंक दैट व्हाट विल बी द आंसर और बी इज द आंसर, यू हैव टू थिंक इफ बी इज द करेक्ट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, व्हाट इज द रीजन दैट ए सी एंड डी are not the appropriate answer. If you will start with this spirit, if you will start learning physics, if you will start learning chemistry, if you will start learning biology or mathematics without thinking about the IIT JEE or medical entrance examinations, only then you can get into IIT colleges, NIT colleges और अदर वेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस और एम्स और अदर स्टेट मेडिकल कॉलेजेस। लेकिन जब तक आप किसी पार्टिकुलर एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते रहोगे, आप अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते। आपको पढ़ते समय सिर्फ सीखना है, सब्जेक्ट सीखना है, उस स्टैंडर्ड पर जो सब्जेक्ट की बातें हैं उसको सीखनी है। अगर आप उस स्टैंडर्ड पर उस सब्जेक्ट की बातों को सीख जाते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने मकसद में कामयाब होंगे, आप बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स लाएंगे, आप कंपिटिटिव एग्जाम में भी अच्छे रैंक लाएंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है